हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे मां अम्बे के दरबार, अंबाजी में मां के दर्शन कर लिया आशीर्वाद, सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से हुए रूबरू। गुजरात कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हार्दिक पटेल शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर पहुंचे, मां अम्बे के दर्शन किए, मां का आशीर्वाद दिया, पूजा अर्चना कर मंगल कामनाएं की। गुजरात कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हार्दिक पटेल ने अंबाजी पहुंचे, अंबाजी मंदिर में मां के दर्शन किए, सर्किट हाउस में दाता अंबाजी के पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। गुजरात के कार्यवाहक अध्यक्ष ने गुजरात के 6 करोड़ लोगों की आवाज बनने व लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करने का संकल्प दोहराया। पटेल ने आगामी उपचुनावों में कांग्रेस की 8 सीटों पर परचम फहराने का भरोसा दिलाया। भाजपा पर प्रहार करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि भाजपा केवल रुपए के बल पर विधायकों को खरीदने व विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती नजर आई। जागरूक टीवी संवाददाता से बात करते हुए हार्दिक पटेल कार्यवाहक अध्यक्ष गुजरात, इन्होंने ये कहा, गुजरात ना खेडूतो, युवानो, मध्यम वर्गीय परिवारों, गामडानी अंदर रहेतो ए गरीब वर्ग आज खूब परेशान छे। एवा संजोगोमां अमे लोकोनो कई रीते सारू करी शकीए, लोकोने समस्यानुं निराकरण कई रीते करी शकीए, एना माटे अमे काम करीशुं। नानी उमरे जवाबदारी मळवी ए बहु मोटी वात नथी होती, परंतु जवाबदारी निभावी सौथी मोटी वात होय छे। गुजरातना 6 करोड़ लोकोने कई रीते न्याय मळे, गुजरात सरकारनी खोटी नीतिओनी विरुद्धमां लोकोने कई रीते जागृत करवा, ए ज हेतुथी आजे मां जगदंबाना चरणोमां नमन करीने कई रीते आ લોકોની વાત કરી શકું, કઈ રીતે આ લોકો સામે હું લડી શકું, બસ એ આશીર્વાદ લીધા છે। અને મને ભરોસો છે કે ગુજરાત ફક્ત ગાંધીનગર કે અમદાવાદ નથી, ગુજરાતનો મતલબ થાય છે દાંતાનું પણ એક ગામ, ગુજરાતનો મતલબ થાય છે બનાસકાંઠાનું પણ એક ગામ। ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં રોડ રસ્તા હોય તો હું માનું છું કે સાબરકાંઠા કે બનાસકાંઠાના છેવાડાના ગામડાની અંદર પણ સારા રોડ રસ્તા હોવા જોઈએ, ત્યારે જ ગુજરાત એક એકાકીકરણ અને વિકાસની એક પરિભાષામાં આવશે। અને એ જ હેતુથી અમે ગુજરાતના ગામડાઓમાં જઈ રહ્યા છીએ। સામાજિક આંદોલન દરમિયાન પણ ગુજરાતના 5-6 હજાર ગામડા ફર્યો હતો, આજે રાજકીય જવાબદારી મળ્યા બાદ ગુજરાતના 18 હજાર ગામડાઓમાં જઈને એક એક ગામની પરેશાની, એક એક ગામની મુશ્કેલી કઈ રીતે લેવી અને એ મુશ્કેલી આવનારા દિવસોમાં કઈ રીતે દૂર કરવી, એના માટેનું અમે કામ કરીશું। જાગૃત ટીવી કે લે આબુ રોડ સે મનોજ ચોરસિયા કી રિપોર્ટ।